अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू रोटेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, यहाँ पर हम लोगों ने दूध और जो सा है पीच यानी कि आड़ू, यहाँ पर मम्मा ने छील कर इनको पील आउट करके यहाँ पर रखा हुआ, इसको पीसीज में कट करके। और आज क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम लोग बना रहे हैं शेक। तो चलते हैं मम्मा की तरफ, मम्मा से पूछते हैं कि वो कैसे इसको बनाएंगे, जो सी पीच मिल्क शेक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मैंने ना दो बड़े बड़े ना आड़ू ले लिए थे, काट लिए थे। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है फैसलाबाद में। और आप लोगों को मतलब पता है कि हर जगह पूरे पाकिस्तान की दो दिन से बहुत गर्मी हो रही है। तो अभी भी मतलब दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी और हमें मतलब बहुत गर्मी फील हो रही थी। मतलब एसी में बैठकर भी कोई इतना खातर का फ़र्क नहीं पड़ रहा गर्मी में। मतलब इतनी ज़्यादा जब आप गर्मी ही मतलब इन्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है तो वहाँ पर फिर एसी कूलर शूलर क्या करें बेटा, ये ग्रहण करें। तो इसलिए हम लोग अब बना रहे हैं ये गर्मी के मौसम में ठंडा ठार जो सा है पीस मिल्क शेक। तो इसको अच्छे से हम लोग ग्राइंड करते हैं और आपको फिर हम लोगों ने इसको ग्राइंड कर लिया। तो मम्मा आप इसको खोलें। बिस्मिल्लाह, ये देखें। तो बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठार जो सा हमारा वो है पीस मिल्क शेक यहाँ पे तैयार हो गया है। मम्मा ने आइस क्यूब इसके अंदर डाल दिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग इसको भी ग्राइंड करेंगे। हाँ जी, थोड़ी सी खा लेते हैं बेटा। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह। तो भी बस गर्मा गर्म मौसम है, ठंडा ठंडा जो सा हम लोगों ने पीस मिल्क शेक यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत झटपट आपके घर में कोई भी फूड मौजूद हो, दूध तो हर घर में होता है तो आप लोग इसको बआसानी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो छोटी सी वीडियो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है पीस मिल्क शेक के हवाले से आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और के साथ साथ कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। इस गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से परहेज़ करें, गुरहेज़ करें, कोई ज़रूरी काम हो तभी निकलें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने सर को ढाम कर रखें। तो ये थी छोटी सी एडवाइस आप सब बहन भाइयों के लिए। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।